Hello student, our Python tutorial is based on different types of operator supported by Python compiler. Look at the first line of the program. We have used a hashtag, hash then Python program on operator. So इसका मतलब क्या है कि कंपाइलर जस्ट इग्नोर दिस लाइन देन वी असाइन टू वैल्यूज x5 एंड y3 देन फर्स्ट वी यूज प्रिंट विद इन कोटेशन x greater than y मींस कंपाइलर जस्ट चेक वेदर x इज ग्रेटर देन y इफ x ग्रेटर देन y देन it returns true. If the condition fails, then it returns false. Similarly, for x less than y, if it returns true, then true, otherwise false. Here we can see that y less than 3, no. So obviously the output would be false. Now our third line, we see that x equals to y means whether x is y की बराबर है कि नहीं. अगर है तो true, नहीं तो false. Then next line, x not equals to y. Not equals to y means if x के बराबर x and y बराबर नहीं है तो false आएगा. और एक operator मैंने लगाया कि less equals to. X less equals to means either a is less than y or x equals to y. सिमिलरली x greater equals to y, तो हर जो ऑपरेटर है ना सभी कंपेरिजन ऑपरेटर है और सभी कंपेरेटर जो है कंपेरिजन ऑपरेटर का आउटपुट आइदर ट्रू और फॉल्स में आएगा. देन लुक एट द आईडी विंडो x/y मीन्स ये डिवाइड करेगा लेकिन 3 क्वेश्चन को दिखाएगा. मतलब इफ वी डिवाइड 5/3 देन वी विल गेट 1 मीन्स ओनली द क्वेश्चन. Then another operator is mod operator. Mod operator का सिंबल क्या है जो परसेंटेज वाला कीबोर्ड में है वही है mod operator. तो x mod y का मतलब है तो remainder, जो remainder होगा. अगर remainder है तो ठीक है, नहीं तो जीरो दिखाएगा. If we divide 5/3 then obviously the quotient is 1 and the remainder is 2, so output will be 2. And another operator is x*y. A single star का मतलब है कि multiplication, but डबल स्टार का मतलब है वो पावर कैलकुलेट करेगा. मतलब 5 to the power 3 दैट मींस 125. एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्टार वाई, वेरी सिंपल. सो आई जस्ट स्किप टू द लास्ट लाइन, एक्स डिवाइड वाई. जस्ट क्लियरली देखना है तो डबल स्लैश देने से वो क्वेश्चन को दिखाएगा लेकिन एक्स स्लैश दिखाने से लिखने से वो फ्रैक्शनल पार्ट करके मतलब 1.66 लाइक आउटपुट आएगा. तो हम रन करके दिखाते हैं इसको आउटपुट को. रन तो मालूम ही है, रन मॉड्यूल में जाना पड़ेगा. फाइल ऑलरेडी सेव है इसलिए चल रहा है. देखिए x ग्रेटर देन y ये सही था क्योंकि 5 तो 3 से ज़्यादा ही है, 2 आया. 5 less than 3 ये फॉल्स है. x equals to है ये तो कभी नहीं है, 5 और 3 तो बराबर नहीं हो सकते इसलिए फॉल्स है. x not equals to y, हाँ तो सही है क्योंकि y और 3 कभी इक्वल नहीं हो पाएगा. सिमिलरली x less equals to y फॉल्स, x greater equals to y 2 एंड x divide y. ध्यान से देखिए x divide y equals to 1 मतलब सिर्फ क्वेश्चन आया एंड x mod y क्या आया, रिमाइंडर आया. और x star y equals to 125 क्योंकि 5 to the power 3 तो सभी को मालूम है, बच्चों को भी मालूम है. तो x plus y, x minus y, x star y कम छोड़ के लास्ट लाइन में आ जाते हैं x डिवाइड y. मैंने क्या बोला था कि वो फ्रैक्शनल पार्ट में आंसर दिखाया, दैट मींस 1.66. एक्चुअली ये ज़्यादा जो लंबा चौड़ा जो वैल्यू दिखा रहा है उसको हम छोटा कर सकते हैं. तो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कभी ना कभी ये बताएंगे कैसे हम डेसिमल पॉइंट के 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स क्या लेना है वो हम फिक्स कर सकते हैं. नॉर्मली कंपाइलर इतना लंबा चौड़ा फ्रैक्शनल वैल्यू दिखाएगा. मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको बहुत इफेक्टिव होगा.
थैंक यू।